सारी ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि जितने भी ये स्कूल कॉलेज के ग्राउंड हैं, पार्क हैं, छोटा तालाब, बड़ा तालाब, इन सभी जगहों पर लोग शाम के टाइम पर बैठ के शराब पी रहे हैं और वहाँ न्यूसेंस करते हैं, उसके बाद गाली गलौज होता है, मारपीट की संभावना रहती है। कई बार ऐसी कंप्लेन मिल रही है कि उस मोहल्ले कॉलोनी की महिलाओं का कहना है कि साहब यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी संख्या में लोग बैठ के शराब पी रहे हैं। इस संबंध में लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज से हम लोगों ने इसको एक अभियान के रूप में चलाया है और ऐसे जो भी लोग सार्वजनिक स्थलों पर बैठ के शराब पीते पाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चूँकि अभी त्यौहारों का समय है, कल 31st है और उसके बाद नए साल का अवसर है, इसमें मैं सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप सभी इसको मिलजुल के परिवार के साथ मनाएं। इसमें नए वर्ष पर जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, ज़्यादातर लोग शराब पी के तेज़ गति से वाहन चला रहे हैं या बहुत तेज़ वॉल्यूम में डीजे या साउंड सिस्टम बजा रहे हैं, और इसमें इसके अलावा वाहन चलाते वक्त कमेंट पास करना, इस तरह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो इसके लिए सभी को सख्त हिदायत दी जाती है कि इसमें अनुशासन में नियमों का पालन करते हुए त्यौहार मनाएं, क्योंकि हम लोगों ने कल और परसों 2 दिन के व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। इसमें जो भी इस तरह के लोग होंगे उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे में लोग नियम और